अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल महक्स होम रेमेडीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्रोशिया का फ्लावर बनाना सिखाऊंगी, स्मॉल फ्लावर। उसके लिए हमें चाहिए एक अदद धागा, आप ले लें, थोड़ा मोटा ले लें, ऊनी धागा जिसको कहते हैं हम। और इसको आपने अपनी फिंगर पे रैप करना है इस तरह से, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, इस तरह से आप कर लें। इसकी अभी कोई वो नहीं है लिमिट के आप कितने गज का धागा लें, बस ये आप इस तरह से लपेट लें, क्योंकि जितना बड़ा फ्लावर हमें चाहिए उसी हिसाब से फ्लावर बना के हम धागे को फिर काट लेंगे। इस तरह से आपने अपनी फिंगर पे लपेटना है धागा। बहुत खूबसूरत फ्लावर बनते हैं क्रोशिया के, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इस तरह से हमने ये आप देख सकते हैं, मैंने पूरा रैप कर लिया है। इस तरह से हमें अपनी फिंगर पर रैप करना है पूरा। और एक नॉर्मल साइज़ की क्रोशिया लेनी है, ये इस तरह से क्रोशिया ले लें आप। अब इसको जैसे मैंने फर्स्ट आपको लूप बनाना सिखाया था, इस तरह से पूरा राउंड करके और एक आपने इस तरह से इसका लूप बनाना है। थ्री लूप्स इसके बनाने हैं हमें, और फिर फर्स्ट में आपने इसको एंटर करना है। एंटर करके इसमें एक और लूप बनाना है इस तरह से, और इसमें से एक धागे का लूप लेना है। इसके बाद दो में से इसको निकाल के निकालेंगे इस तरह से करके, दो में से निकालेंगे। एक में से निकाल दिया है, अब दूसरे में से निकालना है, ये दो गए। फिर अगेन इसको दो में से मज़ीद निकाल लें। इसके बाद हमने दोबारा इसको चेन बनानी है इसकी, इस तरह से 1 2 के बाद आपने इसके अंदर फिर से डालना है, और इस तरह से फंदा लेके ये 3 हो गए। फिर से फिर 1 लूप लेके 2 में से निकाला, उसके बाद अगेन 1 लूप लेके 2 में से निकाल दिया, और फिर चेन बनाई 1 लूप की, बस एक इस तरह से लूप ले लिया। फिर अगेन आपने एक फंदा लेके इस तरह से अगेन इसमें डाला, और फिर आपने इसको इस तरह से 3 हो गए। फिर 1 लूप लेके और 2 में से निकाल लिया, फिर अगेन लेके दोनों में से निकाल लिया, फिर अगेन चेन के लिए एक फंदा लिया, इसके बाद दोबारा इसमें डाला। दोबारा इसी तरह से हम बनाते जाएंगे, फ्लावर बनता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाएगा। और मैं फिर इसके एंड में बताऊंगी कि इसकी आप किस तरह से पेटल्स किस तरह से बनते हैं। इस तरह से निकाला और फिर 1 लूप लिया, इसके बाद अगेन इसी तरह से आप डालते जाएं। ये इस तरह से लेके 2 में से निकाल लिया हमने, ये इस तरह से निकल भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। आप अगेन इसमें डाल लें, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये हो जाता है इस तरह से। इस तरह से करके आप आराम से डाल सकते हैं। और फिर अगेन इसमें से यूं करके निकाल लिया, फिर आपने एक फंदा लिया, और फिर इस तरह से ये देखें आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास ये आता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इसको करने के बाद हम फिर एक दफ़ा करेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये अगेन हम इस तरह से लेके डाल के इस तरह से करेंगे। अच्छा, हम चाहें तो बड़ा फ्लावर भी बना सकते हैं, छोटे फ्लावर्स भी बना सकते हैं, इट्स अपॉन यू। और ये इस तरह से अगेन 2 में से निकाला, फिर 1 लिया। अगर आप चाहते हैं कि इतना फ्लावर बने तो इतना भी इनफ होता है, बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा भी बन जाता है। अगेन ये 2 हो गए।
इस तरह से, और फिर टू में से निकाल दिया। अब हमने न्यू, एक लैप हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हमने सेकंड लैप लेना है। देख सकते हैं आप इस तरह से करके ये निकाल लिया। अब हमने जो चेन बना, इसके जो बाद हम चेन बनाते हैं, एक लैप एक फंदा लेके अब इसके दो फंदे लेंगे, फिर अगेन इसके बिटवीन, बस आप बनाते जाएंगे इस तरह से और बनता जाएगा फ्लावर। बहुत खूबसूरत फ्लावर्स बनते हैं इसके। अब हमने टू लेने हैं, काउंटिंग इसकी नेसेसरी होती है, काउंट कर कर के बनते हैं। इस तरह से आप ये आप इस तरह से बनाते जाएं टू लिए, फिर अगेन आपने इस तरह से लेना है। और इस तरह से अगेन डालना है इसमें, अब आप थ्री इसके लूप्स लेने हैं। अब आपने थ्री चेन इस तरह से, टू लिए थे हमने, वन मोर ले लीजिए, थ्री लेने, क्योंकि अब हम आखिरी लैप करेंगे और इसके बाद एंड हो जाएगा फ्लावर। इसी में से आप गुजारे थ्री, इसके जो फंदे हमने लिए हैं चेन की तरह, उससे ये फ़ायदा होता है कि ये पनखड़ियाँ सी बन जाती हैं, एक तरह की बहुत खूबसूरत सी पनखड़ियाँ बनती हैं, पेटल्स जिसको हम कहते हैं। वन टू एंड थ्री, इसको लेने के बाद अगेन आप इसी में डालें। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन है, बहुत अच्छा, अच्छी चीज़ें बनती हैं, बहुत बहुत सी चीज़ें करामद होती हैं, दुपट्टे के किनारे बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्रोशिया में बनती हैं। इस तरह से करके आप आखिरी लूप, ये तीन लूप हो गए, इसमें से दो से निकाले, फिर तीन में से निकाल, दो में से निकाल लिया और थ्री, वन टू थ्री, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप प्रैक्टिस इसकी जितनी करेंगे, चेन बनाने के हिसाब से पहले चेन पे बहुत प्रैक्टिस करें, आपका हाथ सेट हो जाएगा, उसके बाद आप ये छोटी छोटी चीज़ें बना सकते हैं इजीली। देखें बहुत आसान होता है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस ज़रूर करें इसकी घर पे, टीवी देखते हुए बना सकते हैं, किसी भी टाइम पे बना सकते हैं। चेन तो, चेन की आपको प्रैक्टिस हो गई तो यू कैन मेक एनीथिंग। इस तरह से ये फ्लावर हमारा आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है। अब आप देखें ये मेरा, ये मैं फिर से थोड़ा सा रैप कर लूँ, इस तरह से, वन टू थ्री, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमारा फ्लावर बनता जा रहा है। अब हमने ये लास्ट हमारा फंदा है जो कि हमने लेना है, अब इसको काटना है, फिर पहले इसको कंप्लीट कर लें। एंड का हमने जो लेना है वो हम दो में से निकालते थे, अब हम तीनों में से निकाल लेंगे। थोड़ा सा मुश्किल होता है एंड का, क्योंकि थ्री में से निकाल के, और है भी ये ऊनी धागा,
तो इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इस तरह से आप निकाल लें। और फिर इसको सीजर से कट कर लें। मैं दिखाती हूँ इसको आप एंड कैसे करेंगे इसका। बस ये इस तरह से आपने इसको एंड करना है। ये आपने निकाल लिया, इसको टाइट कर दिया। इसके बाद आपने इसको काटना है, बिल्कुल एज से काट लीजिए। और ये आपका ब्यूटीफुल फ्लावर रेडी है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से खूबसूरत सा फ्लावर। इस तरह से आप और भी फ्लावर्स बना सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।